अलीगढ़ अत्यापार्क नाम की मीट फैक्ट्री में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से घबराए फैक्ट्री में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों में भगदड़ मच गई। वहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे सभी मजदूरों को बमुश्किल सकुशल बाहर निकाला गया। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 गोविंद घाट के समीप भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया। दरअसल सड़क निर्माण कार्य के चलते भूस्खलन हुआ था। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पर अंतरित होकर कार पलट गई, जिसमें चालक को चोट नहीं आई। वहीं मौके पर जनेश्वर पार्क प्रभारी प्रशांत मिश्रा पहुंचे, जहां कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर नई शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। जिसे कहना कि मैं आज हमारे अधिकारी मित्रों को, विशेष करके शिक्षा विभाग की अधिकारियों को, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर थोड़ा अध्ययन किया होगा, उसमें एक विषय प्रमुखता से है, भारत की नौजवानों को पढ़ाई के साथ कमाई की भी व्यवस्था, रोजगार आधारित शिक्षा की एक मूलभूत नई व्यवस्था रचना की जा रही है, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया। अनुभव से कुछ विषयों को सुधारा भी जाता है। मैंने जैसे आज एक प्रारंभिक काम उत्तराखंड की मित्रों को दिया है कि अप्रैल मई में, जून में मैं फिर आऊँगा, अप्रैल मई में उसकी रचना बन जाए। कई काम उन्होंने किया भी है। सरोवरनगरी नैनीताल के निवासियों और पर्यटकों को शिविर का पानी पीना पड़ रहा है। बता दें कि सरोवरनगरी नैनीताल में अक्सर सिविल लाइन बंद हो जाती है, जिसका पूरा गंदा पानी झील में जाता है। वहीं पानी को नैनीताल निवासी और पर्यटक पीने को मजबूर हैं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक 5 मंजिला इमारत में एक महिला संदिग्ध परिस्थिति से नीचे गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला छत की बालकनी पर कपड़े सुखा रही थी, तो उसका पैर फिसल गया और महिला 5 मंजिल इमारत से नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला यह है कि इसमें ना ये बहू है, मेरी भतीजी बहू है, तो ये वाला मकान है, तो इसमें ना हमारा भतीजा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कपड़े तानने गई थी, तो वहाँ से कैसे पैर फिसला, क्या हुआ, नीचे गिर गई, तो डेथ हो गई। कितनी उम्र है इसकी महिला की? 24 साल लगभग उम्र है सर इसकी। हाँ, 24 से 28 ऐसी है। कहाँ के निवासी है सर? हम लोग हाथरस का, हमारा हाथरस जिला है, गाँव परसारा है। अपना मकान है, किराए पर सर? ये रेंट पे है सर। एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद के लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके, 27 सीटें भी भाजपा के खाते में ही जाएंगी। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है खासकर मीडिया को दूसरी दिशा में भेज देना। अब आपके ऊपर है कि आप उनके कहने से दिशाहीन होते हो या सही दिशा में चलते हो। सर, शिवपाल यादव जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो उनको आप पक्ष में मानेंगे या विपक्ष में? वो आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, रिजल्ट आने दीजिए, अभी से क्या बोलना। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करना, निर्भीकता के साथ मतदान न होने देना, मतदाताओं को आतंकित करना, प्रलोभन देना, डराना धमकाना, लोकतंत्र के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही ने सरकारी राफेल सुकूत को गोली मारी। बता दें कि एटा के ट्रिजरी कार्यालय में सिपाही तैनात था। वहीं घायल सिपाही का नाम अंकित बताया जा रहा है। गृह कलेश का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने की मांग की है। आज मैंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मैंने मांग करी है जो मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो अपने इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और जो अपना प्रचार करते हैं, मैं उसके विरोध में ज्ञापन देने आया हूं। क्योंकि अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वो 10-10 लाउड स्पीकर लगा के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कृष्ण जी के भजन सुनिए, हनुमान चालीसा सुनिए, उनसे मन को शांति मिलती है, ना कि चिल्लाने से चीखने से शांति मिलती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चेतावनी के रूप में उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तत्काल में
मस्जिदों से लाट उतार दें, अन्यथा में योगी जी बाबा जी के बुलडोजर पर रखकर डीजे बजाए जाएंगे। लक्सर के सिद्धलू गांव के रास्ते के विवाद को लेकर दो चचेरे भाइयों के परिवार के बीच मारपिटाई हो गई। जहां झगड़े में एक पक्ष की तरफ से आए रिश्तेदारों ने पत्थर फेंके, इनमें दोनों तरफ से तीन महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए। पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री ने मतदान किया। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि नेताओं का चुनाव है, नेता विकास नेतृत्व को चुनेंगे और शीर्ष नेतृत्व बीजेपी है, इसलिए इस बार विधान परिषद चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी का परचम लहराएगा। प्रयागराज के फूलपुर कस्बे के शेखपुर पूर्वी चौराहे पर जल निगम की पाइप लीकेज होने से 1000 लीटर रोज पानी बह रहा है। सूचना के बाद भी विभाग अनजान बना हुआ है।